Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें। दस लाख रुपया किधर है फिर? चौहान, ये क्या हो रहा है? जैन सर, सर वो चोरी का केस है, ये जिस कंपनी में काम करता है वहां 10 लाख की चोरी हुई है, उसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सर कोई केस है ही नहीं है सर, इन्होंने बस पिछले 3 घंटे से मेरे पापा को लॉकअप में बंद करके रखा है, क्रिमिनल्स की तरह इतना परेशान कर रहे हैं सर। सर मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ कि कोई केस नहीं है। एक मिनट सर, ये देखिए इस पे लिखा है कि 5 तारीख को 10 लाख की चोरी हुई है, यानी आज से 3 दिन पहले। लेकिन सर 2 तारीख से मेरे पापा ऑफिस गए ही नहीं, उन्होंने ऑफिशियल मेल डाली थी छुट्टी के लिए, मेरी शादी के लिए। हम आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं सर। अब आप ही बताइए, अगर पिछले 7 दिनों से मेरे पापा ऑफिस नहीं गए तो चोरी कैसे सर? सर सरकमस्टेंशियल प्रूफ है सब। ओ शट अप, शायद तुम नहीं जानते लेकिन नियति और उसके पापा को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो नियति ने दिन रात रहकर उसकी देखभाल की थी, छुट्टी के बाद भी वो मेरी बेटी की देखभाल करती थी। और इसके फादर, जिनके ऊपर तुमने आरोप लगाया कि उन्होंने चोरी की है, जब वो नियति को पिक करने आते थे तो मैंने उनसे कितनी बार बोला है कि मेरी गाड़ी लेकर चले जाओ, लेकिन बाप बेटी ने हंस कर टाल दिया। ना जाने कितनी बार मैंने उनको पैसे देने चाहे, गिफ्ट देने चाहे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। और नियति के फादर के ऊपर तुमने 10 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाया है। नियति के पापा को अभी रिलीज करो और उनको रिस्पेक्टफुली घर छोड़कर आओ, और इस केस की सारी डिटेल्स मुझे कल तक मेरी टेबल पर चाहिए, और अगर डिटेल्स में गड़बड़ मिली तो सस्पेंड कर दूंगा। सर थैंक यू सर, थैंक यू। नियति, नियति तुम यहां क्या कर रहे हो? किसने बुलाया तुम्हें यहां पर? मैं अपने पापा की गलती की माफी मांगने आया हूं अनंत। ये सब मेरे पापा ने नियति को ब्लैकमेल करने के लिए किया। उन्होंने राम अंकल को अरेस्ट करवाया क्योंकि वो नियति को मजबूर करना चाहते थे ताकि वो मेरे केस से ना हटे और मुझसे झूठी शादी का नाटक कर। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।